क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? अगर आप सोचेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा, इसलिए जाइए और जाकर सोचिए। लेकिन रघु सर, इस वक्त मेरा शारदा मैडम से मिलना बहुत जरूरी है। कंसाइनमेंट की इनवॉइस बिलिंग के बारे में उनसे बात करनी है। मैंने आपसे कहा ना, ये हमारा घर है, शारदा मैडम की फैक्ट्री नहीं। रघु, क्या बात है, क्या हुआ? योगी, तुम यहाँ किसी काम से आए हो? मैडम, ये कंसाइनमेंट की इनवॉइस बिलिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो बैठो ना, बात करते हैं। शारदा, ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, कब तक? क्यों तुम अपनी फैक्ट्री को इस घर से अलग नहीं रख सकती? क्यों तुम्हारी फैक्ट्री जब चाहे इस घर के अंदर चली आती है? अरे फैक्ट्री की बात है, फैक्ट्री में क्या करो ना। और आपको मिस्टर सबरवाल, हर छोटा बड़ा मसला लेकर यहां नहीं आना चाहिए। उम्मीद है आइंदा आप इस बात का ख्याल रखेंगे। मैडम, ये रघु सर को अचानक क्या हो गया? मैं तो पहले भी कई बार फैक्ट्री के काम के सिलसिले में घर पर आया हूं, लेकिन इन्होंने ऐसी बात तो नहीं की। योगी, रघु की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूं। दरअसल रघु इस वक्त तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और वजह से परेशान है। एनीवे, जो भी बात है हम फैक्ट्री में कर लेंगे। तुम इस वक्त यहां से जाओ। जी। ये आपको क्या हो गया रघु? क्या हो गया मुझे शारदा? आपको योगी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या गलत कहा मैंने उससे? रघु, अगर कोई घर आता है तो उसे इस तरह से बात की जाती है? तो और कैसे बात करूं मैं उससे? मैंने सबरवाल से सिर्फ इतना कहा कि फैक्ट्री की बातें फैक्ट्री में होनी चाहिए, घर पर नहीं। हाँ, लेकिन यही बात जब मैं आपसे पहले कहती थी तो आप ही उससे बार बार कहते थे कि इसे अपना ही घर समझो। अब जब वो इस घर में आने जाने लगा है तो आप ही उससे कह रहे हैं कि फैक्ट्री की बात फैक्ट्री में होनी चाहिए। मैंने उसे घर पर बुलाकर बहुत बड़ी भूल की। क्या इंसान अपनी भूल को सुधार नहीं सकता? आखिर ऐसा क्या हो गया रघु, जो योगी का इस घर में आना आपको भूल लग रहा है? भाभी, अब जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। नहीं श्याम, अगर कोई मन मुटाव है तो पता तो चले बात क्या है। आखिर योगी हमारे फैक्ट्री का सीईओ है और फैक्ट्री के हेड होने के नाते उसे इस तरह से इस घर में आने से रोका नहीं जा सकता। शारदा, हमारी फैक्ट्री में सबरवाल के अलावा बहुत सारे वर्कर हैं, क्या वो सब घर पर फैक्ट्री की बातें करने आते हैं? रघु, हमारा इतना बड़ा ऑर्डर तैयार हुआ है, इतना बड़ा कंसाइनमेंट गया है हमारा, उसे फोन पर बताने के बजाय घर पर आकर बताना उसने बेहतर समझा। तो क्या गलत किया उसने? जब कोई इंसान किसी काम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और वो काम सफल हो जाता है तो उसे कितनी खुशी होती है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। मैं समझता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझता हूं मैं सब कुछ। तुम क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं कि तुम? बस जाने दे। अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ऑफिस की बात ऑफिस में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सूरज,
तुम अंदर आओ, कम इन। दीपा से मिलने आए हो ना? हाँ, ओहो आई एम सॉरी, मैं भी कैसे कैसे सवाल पूछने लगा। अंदर आओ। दीपा, दीपा जान, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। ऐसे क्यों खड़े हो, बैठो। दीपा सिट डाउन, बैठो ना। सूरज कम ऑन, फील कंफर्टेबल, बैठो। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूं। रुको अजय, मैं दीपा से नहीं तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे? मुझसे मिलने आए हो? स्ट्रेंज। एनीवे बताओ अजय, तुम दीपा के साथ जिस तरह की ज्यादतियां कर रहे हो वो मुझे सब पता चल चुकी है। अच्छा, तो दीपा ने तुम्हें बता दिया कि मैं उसके साथ कैसी कैसी ज्यादतियां करता हूं? अच्छा, अगर माशूक अपना दुखड़ा आशिक के पास नहीं रोएगी तो और कहां रोएगी? अजय बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। जिसे तुम तरह तरह की बातें सुनाकर बदनाम करने की कोशिश करो वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर की इज्जत है वो। अच्छा, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? देखो अजय, तुम्हारा ये नाटक बहुत अच्छा। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम ये मत समझना कि दीपा का यहां कोई नहीं है या वो यहां अकेली है। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे सोच सकता हूं सूरज? तुम दोनों मुझे हमेशा गलत समझते आए हो। मैं वैसा नहीं हूं जैसे तुम सोचते हो। एक्चुअली मैं बहुत नरम और बड़े दिल वाला हूं। सूरज तुम एक काम करो। क्या? दीपा से शादी कर। दीपा से शादी? हाँ सूरज, तुम दीपा से शादी कर लो और मैं दीपा को तलाक दे देता हूं। इसके बारे में सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर हमें जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर। अब तुम जाओ और इसके बारे में सोचो, पर जल्दी। मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है, बस जल्द से जल्द आप वो सब कर दीजिए जो मैंने आपसे कहा है। बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि सब कुछ अपनी मर्जी से हो जाए। डैडी, जब मैं राजी हूं, आप राजी हैं और सूरज भी राजी है तो फिर मुश्किल किस बात की? एक बात बताओ, क्या तुमने सूरज से पूछा कि वो राजी है या नहीं? ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी आया। सूरज, कहाँ से आ रहे हो? मैं वो किसी काम से गया। तुम्हें पता है मैं और डैडी अभी अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। किस सिलसिले में? तुम्हारी और मेरी शादी के सिलसिले में। सूरज, क्या सोच रहे हो? तुम कुछ बोलोगे नहीं? सूरज, तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ, बोलो ना सूरज,
मुझसे शादी करोगे ना सूरज? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझसे शादी नहीं कर सकते? मगर क्यों? क्यों? मुझ में क्या बुराई है? तुम्हें कोई बुराई नहीं है डिंपल, तुम एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की हो। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। दीपा, दीपा जान, ए दीपा। जी बोलिए। ए दीपा, तू सूरज से शादी करेगी ना? हाँ करेगी ना सूरज से शादी? अगर इससे आपको कोई खुशी मिलती है तो कर लूंगी। कैसे कैसे कैसे, फिर से बोल। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है? अरे मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन इस खुशी को मैं हासिल नहीं करना चाहूंगा, कभी भी नहीं। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे आपकी बातें कभी भी समझ में नहीं आई। अच्छा, कभी समझ नहीं आई? चल मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुन। मैंने सूरज को क्या कहा था? क्या कहा था? तू दीपा से शादी कर, कहा था ना? तेरी और सूरज की अगर शादी हो जाएगी तो तुम दोनों एक सुखी जिंदगी गुजारोगे। गुजारोगे ना? बोल, बोलते क्यों नहीं? गुजारोगे, तुम दोनों एक सुखी जिंदगी गुजारो और मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब तुम सूरज के साथ शादी नहीं कर सकोगी। शादी तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुम्हें तलाक दूंगा, और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में तलाक नहीं दूंगा। अरे जब मैं तलाक ही नहीं दूंगा तो तू सूरज के साथ शादी कैसे करेगी? हाँ वैसे एक बात है तेरा, सूरज तेरा सच्चा आशिक है, सच्चा आशिक। वरना आज के जमाने में 7-8 साल पुरानी शादीशुदा औरत के साथ कौन शादी करने को राजी होता है ना? वो तो तेरे साथ शादी के सपने देख रहा होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने उसके सारे सपने पहले ही तोड़ दिए। अच्छा किया ना मैंने जान, हाँ अच्छा किया ना? बोल ना, तुझे कैसा था? अच्छा है ना? डिंपल, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? देखे ना नारी, सूरज क्या कह रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या किया सूरज ने? से शादी करने से इनकार कर दिया। क्यों? वो कहता है वो किसी और से प्यार करता है। आप ही समझाए ना उसे नानी, वो ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा शादी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर वो किसी और से प्यार करता है तो फिर शादी तुमसे कैसे कर सकता? लेकिन मैं क्या करूं डैडी? मैं तो उससे प्यार करती हूं, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। बेटा अपने आप को संभालो। अंकल हो सके तो
मुझे माफ कर दीजिए। बेटा नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो इस पगली लड़की का है जिसने बिना सोचे समझे, बिना तुमसे पूछे तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगी। इसके कसूर की सजा इसे मिलनी चाहिए। लगता है कुछ खास काम कर रहे हैं मैनेजर साहब। मेरे लिए तो हर काम खास ही होता है। वैसे आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए मिस्टर साय, ऑफिस का एक डेकोरम होता है। जब कोई सीनियर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के पास आता है तो सीनियर ऑफिसर की रिस्पेक्ट करना सबॉर्डिनेट की ड्यूटी होती है। आप शायद ये बात इसलिए कह रहे हैं ना कि आपके आने पर मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। देखिए सबरवाल साहब, मेरे लिए ड्यूटी का मतलब है सिंसियरिटी से काम करना, उठते बैठते एक दूसरे को सलामी मारते रहना नहीं। मैं देख रहा हूं मिस्टर साय, जब से एक्सपोर्ट ऑर्डर का कंसाइनमेंट गया है आपके तेवर कुछ बदल से गए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूं। हाँ कुछ बदला है तो आपका नजरिया मुझे देखने का। देखिए सबरवाल साहब, मैं ये नहीं भूल सकता इस ऑर्डर की वजह से कंपनी को अगर करोड़ों का फायदा हो सकता है तो बाय चांस इसके रिजेक्ट होने से करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। एनीवेज बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वन शुड ऑलवेज थिंक बिग एंड नाइस। कहिए किस काम से आए? मुझे वो इनवॉइस बिलिंग की फाइल चाहिए थी। तो फोन कर दिया होता, भिजवा देता वहीं। जब भी तुम्हें यूं अकेला देखती हूँ रघु, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने किए पर पछता रहे हो। किया क्या है मैंने जिसका मुझे पछतावा हो? शारदा से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे लगता है तुम सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। रत्ना, मुझे अपनी किसी बात पर पछतावा नहीं है। पछतावा क्यों हो जो मैंने गलती नहीं की है? रघु सब कुछ जान लेने के बाद अब भी तुम शारदा को देवी समझते हो? सब कुछ जानने के बाद किस बारे में बात कर रही हो तुम? इतना हैरान क्यों हो रहे हो रघु? तुम्हें क्या लगता है शारदा और योगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता? तुम भी जानती हो। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते रघु। मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए रघु। तुम्हें तो बस ये मालूम होना चाहिए कि सबको सब कुछ मालूम है। सिर्फ तुम्हें नहीं जानते थे कि योगी को शारदा ने फैक्ट्री में क्यों रखा है, कि योगी ने इतनी मेहनत करके ये घर क्यों बनाया, और ये कि योगी बार बार बहाने करके इस घर में क्यों आता था। ये बात सब जानते हैं रघु, बस तुम्हें नहीं जानते कि जिस औरत को तुम लोग देवी समझते थे वो बच्चलन है, योगी के साथ संबंध है उसे। बस रत्ना बस, मैं और नहीं सुन सकता तुम्हारी जहर भरी बातें। शारदा का गुस्सा मुझ पर मत निकालो रघु, चिल्लाओ मत मुझ पर, वरना सबको मालूम हो जाएगा कि एक बच्चलन पत्नी के पति का दर्द कैसा होता है।
रत्ना, ये क्या तरीका था रघु से बात करने का? तुम मुझसे हमेशा इस लहजे में बात क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इतना गर्म हो रहे हो तुम? तुम बार बार ये जताने की कोशिश क्यों कर रही हो रघु को कि शारदा भाभी उसे धोखा दे रही है? जो सच्चाई है उसे बयान करके क्या गलत किया है मैंने? क्या शारदा ने रघु को धोखा नहीं दिया? क्या तुम दोनों ने इस बात को नहीं माना? जिस बात को सारी दुनिया जानती है, अगर उसे एक बार और कह दिया मैंने तो क्या गलती की मैंने? सारी दुनिया के लोगों में और अपनों में फर्क होता है रत्ना। बेगाने जख्म देते हैं, अपने मरहम लगाते हैं, लेकिन तुम उन जख्मों को कुरेद रही हो। तुम्हें सिर्फ रघु के जख्म दिखते हैं, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते तुम। क्योंकि रघु मेरा सबसे ज्यादा अपना है और तुम हमेशा उसे तकलीफ देती हो, ये जानते हुए कि उसकी तकलीफ का दर्द मुझे होता है यहां इस दिल में, और इस दर्द की शिद्दत को वही पहचानता है जिसके दिल में ये दर्द होता है, समझी? दर्द तो मुझे भी होता है श्याम, लेकिन तुम्हें मेरे दर्द का एहसास कभी नहीं हुआ, और तुम्हें सिर्फ रघु के दर्द का एहसास है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। खबरदार, जो आपके पास ऐसी बात कही, समझे? अगर तुम मुझ पर चिल्लाओगे तो मैं उन तस्वीरों के पोस्टर लगवा दूंगी घर से फैक्ट्री तक, जिसे तुम छुपाना चाहते हो।